Hello my YouTube family, my name is Mukesh and you're watching my YouTube channel. Student subject verb agreement का अभी पूरा playlist मैंने बनाया है, एक एक दो दो rules हम daily पढ़ते जा रहे हैं different different exercises के साथ. But guys, मैं आपको आज एक good news देना चाहता हूँ कि Titanium की जो application है आप play store पर जाके download कर सकते हैं, Titanium English classes के नाम से. उस application पर हम theory से related, competition exam से related, spoken English, written English सारे courses आपको धीरे धीरे हम लोग वहाँ upload करने का प्रयास कर रहे हैं, आज ही डाउनलोड करके. और कुछ कोर्सेज पेड भी हैं, यदि आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हैं. सेकंड, इफ समबडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन. ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, गो वॉच दोज वीडियोस आल्सो. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए बहुत कुछ है. अब आइए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. रूल नंबर 28, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस. कुछ नाउन्स ऐसे जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक ही रूप में रहते हैं, मतलब सिंगुलर भी वैसा का वैसा और प्लूरल भी वैसा का वैसा, और ये पढ़ने से आएगा गाइस. इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अनुसार लगती है, मतलब यदि संदर्भ वाक्य का सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. जैसे खास करके कौन कौन से ऐसे नाउन है, शीप, फिश, डियर, पाइस, इन सब के लिए ये शीप का शीप्स नहीं होता है, ध्यान रखना. सिंगुलर और प्लूरल सेम रोल होता है इसका. फिश का फिशेज नहीं होता है जब तक कोई कलरफुल या वेराइटीज फिशेज की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी फिश का फिशेज नहीं होगा. डियर का डियर्स नहीं होगा, पाइस का पाइसेस नहीं होगा. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रूप में ही रहती हैं और इनको यदि आप ऐसे पढ़ोगे, लर्न करोगे, प्रैक्टिस में यदि दो बार सेंटेंस बनाओगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद भी नहीं रहेगा. जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, अ शीप इज ब्यूटिफुल एनिमल, है ना, बेड जो है वो एक खूबसूरत जानवर है. तो यहाँ पे शीप सिंगुलर का, एक शीप की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर की बात हो रही है. संदर्भ क्या है सिंगुलर का, तो वर्ब भी हमने इज यूज किया. बट दूसरे एग्जाम्पल में देखो, मैनी शीप आर ग्रेजिंग देयर या मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में बहुत सारी भेड़ें चल रही हैं. तो मैनी लगाते शीप्स नहीं आएगा गाइस, बस मैनी अपने आप में ये फील किसका दे रहा है, प्लूरल का दे रहा है. तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल, राइट. तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग, ये नया पॉइंट है. यदि आपको सच में, कुछ लोगों ने जिन्होंने आज पहली बार पढ़ा है, तो आप यदि चाहो तो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि थैंक गॉड कि आज मैंने पहली बार ये रूल पढ़ा है. नेक्स्ट, आई फाउंड अ पाइस, मतलब कल मुझे एक पैसा मिला तो आई फाउंड अ पाइस बोलोगे, या एक से ज्यादा कि पांच पैसा मिला तो आई फाउंड फाइव पाइस, राइट. नेक्स्ट, अब आपके लिए मैं एक सेंटेंस छोड़ रहा हूँ, देर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड आएगा या देर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, कौन सा सही है आपको, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए. आपको कमेंट बॉक्स में रखना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है. देर आर मैनी फिशेज इन पॉन्ड, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, या देर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, इस रूल के अनुसार क्या सही होना चाहिए. मुझे उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इसको करके कॉमेंट बॉक्स में रख दोगे. रूल नंबर 29 ये कहता है गाइज, यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव, जेरंड, फ्रेज या कोई क्लॉज सब्जेक्ट का कार्य करता है, अब ये सब ऐसे सब्जेक्ट काम में आ सकते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, फ्रेज एंड क्लॉज, या सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है, तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है. कैसे, देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है. स्विमिंग एक जेरंड यहाँ पे लिखा हुआ आगे, जेरंड मतलब जब वर्ब को आईएनजी के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम जेरंड कहते हैं, राइट. तो इसके साथ वर्ब इज ही आएगा, आर नहीं आएगा, ये हमेशा परमानेंट रूल है. टू स्विम इज गुड फॉर यू, तैरना आपके लिए अच्छा है क्योंकि स्विम करने से भी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है. तो ये टू इन्फिनिटी से बना है, टू स्विम पूरा तैरने के काम को नाम दिया है. इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इसको टू इन्फिनिटी का प्रयोग करके बनाया है, ऊपर वाला जेरंड था, राइट. नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, इट इज अ बिग क्वेश्चन, शुरू कैसे करें एक बहुत बड़ा प्रश्न है. तो हाउ टू स्टार्ट ये पूरा क्लॉज हो गया, इट इज अ बिग क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये फ्रेज की तरह हो रहा, सॉरी क्लॉज नहीं, क्लॉज नीचे है. हाउ टू स्टार्ट, इट इज अ बिग क्वेश्चन. लास्ट है, दैट शी इज पुअर, अब ये पूरा एक क्लॉज की तरह काम आ रहा, दैट शी इज पुअर, जो लड़की गरीब लड़की है ना, इज नोन टू मी, वो मेरी जान पहचान की है, तो ये क्लॉज की तरह काम में आ रहा. तो यहाँ पर भी इज आएगा, आर नहीं आएगा. वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है, वो वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ऊपर वाला, इसको आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दी है. स्मोकिंग डैश 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 इंजरियस टू, इंजरियस फॉर हेल्थ भी हो सकता है, टू द हेल्थ भी हो सकता है,
इंजरियस टू द हेल्थ. स्मोकिंग डैश डैश इंजरियस टू, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वर्ब, ये आपको फिलअप करना है. तो दो एक्सरसाइज गाइज मैंने आपके लिए दिए, दो रूल्स मैंने बताए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू राइट दिस ऑल दिस टू एक्सरसाइज इन कॉमेंट बॉक्स. एंड कैसा लग रहा है, राइट योर फीडबैक ऑल्सो इन कॉमेंट बॉक्स. Otherwise, it's enough. I'll be right back in the next video with the new rules. Till then, keep watching and keep learning and keep sharing with your friends. Thank you so much.